सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं सूरज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एक्सपोज लाइव। तो गाइस, मैं अपनी इस YouTube चैनल में कुछ डालता हूँ ट्यूटोरियल, टिप्स और ट्रिक्स DSLR के रिगार्डिंग। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है, हटके होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करेंगे विजुअल एडिटिंग जैसे दानिश जैन अपने पिक्चर में करता था। तो गाइस, हमारी पिक्चर पहले ऐसी थी, हम उसको चेंज करके बिल्कुल ऐसी करेंगे। तो गाइस, पूरी की पूरी वीडियो देखना, और जो जो मैं PNG यूज़ करूँगा, प्रीसेट्स यूज़ करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से एक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगी। और गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में बता देना कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। और गाइस, मैं अपने इंस्टाग्राम में पहले ही ये पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, गाइस वहाँ से आप मेरे को DM करके बता सकते हैं कि इसकी ट्यूटोरियल डाल दो, तो मैं वहाँ पर उसकी ट्यूटोरियल डाल दूँगा। और गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ये रहा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे वीडियो को मिस ना कर पाए। तो गाइस, तब तक के लिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन कर लेना और अपने पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर खींचा है ऐसे पोज में, या फिर कुछ अलग कर सकते हैं आप। देन गाइस, आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में आके आपको इसका बैकग्राउंड पूरा इरेज करना है, तो हम इरेजर टूल यूज़ करेंगे उसके लिए। उस धीरे धीरे उसको इरेज करते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ओपेसिटी इतना रखा है, तो इसको आराम आराम से पहले हम इरेज करेंगे, अच्छे से इरेज करेंगे, और कोई भी जगह मिस ना हो ऐसे करेंगे इरेज इसको। यहाँ पे इरेज कर रहे हैं गाइस। एक बात का ध्यान रखना, टाइम जितना लगे लगने दो, लेकिन इरेज सही से करना आप। गाइज, हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो हमारा इरेज होने के बाद पिक्चर कुछ ऐसा लग रहा है। तो गाइज, आपको सिंपली ड्रॉ से इसको सेव कर लेना है, ये फुल क्वालिटी में यहाँ पे सेव हो जाएगी, HD क्वालिटी में, अगर आप ड्रॉ से इसको सेव करेंगे तो। देन गाइज, आपको पिक्सआर्ट दोबारा ओपन कर लेना। ओपन करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ये पिक्चर डाउनलोड कर लेना, वो इम्पोर्ट करना है, और ड्रॉ में जाना है दोबारा। और ड्रॉ में आने के बाद आपको लेयर चूज करना है, और लेयर चूज करने के बाद एक फ़ोटो इम्पोर्ट करना है जो अभी हमने इरेज किया था। तो गाइस, हमने फोटो यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, क्रॉप कर लेना जितना आपको चाहिए, फिर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना गाइस कि आपकी पिक्चर कैसी लग रही है उसमें, तो वो आपको पता लग जाएगा आपकी स्क्रीन में। तो गाइस, हमको और एक मटेरियल लेना है, क्योंकि गाइस हमें अपने यहाँ पर हाथ में एक पैरेट को बिठाना है। तो गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहीं से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये वाला पैरेट है, हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। अभी इसको अपने हाथ में बिठाना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। अभी हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, अभी क्या हुआ, ये मेरा जो लेयर लिया था वो पीछे चला गया, तो मेरे को लेयर को सीधा ऊपर लेना, तो वो सामने की तरफ आ जाएगा पीछे। तो गाइस, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, इसको फिक्स करते हैं। हाँ, बस अभी सही लग रहा है ये। तो गाइस, हमको और एक एम्प्टी लेयर लेना है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको और एक PNG मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही, वो ग्रास की होगी, वो आप डाउनलोड कर लेना, ये वाली PNG। तो गाइस, इसको भी आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी पहले, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा छोटा बड़ा देख लेना अपने हिसाब से। अभी नॉर्मल में ही इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे हम, बस इतना सही लग रहा है मेरे को। यहीं से आप सेव कर लेना, यहाँ से HD क्वालिटी में सेव होगी पिक्सआर्ट में। देन आपको Lightroom खोल लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्रीसेट का लिंक डाल दिया है, ये मैंने खुद से बनाया, ये वाला प्रीसेट आप देख लेना। तो हमको पहले वो प्रीसेट इंपोर्ट कर लेना है, फिर अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है Lightroom में। देन आपको प्रीसेट में वो जाके आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी सेटिंग्स कर लेना है इसका। अभी ये लोडिंग हो रही है, कॉपी सेटिंग्स करा हमने, ओके दबाया। हमको पिक्चर में जाना है जिसको हमें एडिट करना है, और वहाँ पर आके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी पिक्चर ऐसी हो गई है। हमें बस करना क्या, थोड़ा DHS को हम कम कर देंगे, ये कुछ -9 के आसपास। आपको सेलेक्टिव टूल ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद ये सर्कल वाला चूज़ कर लेना, और हमें जो हमारा पैरेट जो लग रहा है वो थोड़ा सा सैचुरेशन इसकी कम लग रही है, तो अपने हिसाब से इसको कलर एडजस्ट दे देंगे।
अभी सैचुरेशन इतनी सही लग रही है हमें, यही से हम इसको ओके कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा इसका विगनेट माइनस में ले जाएंगे, -43 के आसपास सही लगेगा। तो अब यहाँ से सिंपली अब सेव कर लेना पिक्चर, फिर आपको करना क्या है, इसको स्नैपसीड में ले आना, इंपोर्ट कर लेना। फिर वहाँ पे डिटेल्स में आके थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे +25 के आसपास, और शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये कुछ 18-20 बस सही लग रहे हैं। अभी हमें यहाँ से इसको सेव कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फाइनल आउटकम, आप मेरे इंस्टाग्राम में भी इसको देख सकते हैं।